हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मई मंथ में हमें टारगेट करना है जितने प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको सारे कंप्लीट कर देने RRPO और RRB क्लर्क के। और इसी सीक्वेंस में आपको करना क्या है कि पहले फर्स्ट से लेकर 15th ऑफ मई तक आपको करना है RRB क्लर्क के जितने आपको मिल पाए, जहाँ से भी फ्री मिल पाए, आप क्या करो RRB क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट कर लो प्रीवियस ईयर का। फिर 15 से आपको 31st मई तक क्या करना था, RRBPO का करना था। और इसी सीक्वेंस में मैंने आपके साथ किया गया था कि आपको ये बताया था कि मैं आपके साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी लाइव। तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी 2 लाइव मॉक टेस्ट कवर करवाए जिसमें मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ क्वांट का पेपर करवाया था। लेकिन इस मॉक टेस्ट में आपके साथ क्या करूँगा, इस सेशन में आपके साथ कंप्लीट पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कवर करवा रहा हूँ कि किस तरीके से मैथ्स के पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से रीजनिंग का अटैम्प्ट करना है और हमारा टाइम लिमिट कितना होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा स्ट्रॉग है तो उसको क्वांट में कितना टाइम देना चाहिए, अगर आपका रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉग है तो पहले रीजनिंग को पिक करो, किस सब्जेक्ट को पहले पिक करो, इन सारी चीज़ों पर बात कर रहा हूँ इसमें। तो जितने भी न्यू लर्नर्स वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है आप सभी तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप अपना पेन पेपर लेके साथ में बैठो। अगर आप पेन पेपर के साथ नहीं बैठ रहे हो, आप मान लो कि साथ में अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, जो पेन पेपर लेके बैठेंगे वो तो साथ में अटेम्प्ट करेंगे, जो पेन पेपर लेके नहीं बैठ रहे वो सिर्फ अप्रोच देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद से कोई ऐसा अप्रोच देखने को मिल जाए, कुछ नया अप्रोच देखने को मिल जाए जिससे आपका टाइम कम मतलब कम लगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप क्या करो, उस वीडियो को 1.5x पे जाकर देखो, क्योंकि अगर आप 1x पे जब तक आप वीडियो को देखोगे ना आपको लगेगा कि आपकी स्पीड ज़्यादा है। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप किसी भी, मैं ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात करूँ, क्वाड्रेटिक या फिर मैं आपके साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूँ, आप किसी भी चीज़, अगर आप अपनी स्पीड बात बढ़ाने की कोशिश करो किसी के अप्रोच सीख के, तो आप उसकी वीडियो को जरूर 1.5x पे देखो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट एक एक करके। जैसे मेरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग से फार बेटर है तो मैं क्या करूँगा, पहले क्वांट को बनाऊंगा और मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा कि मैं क्वांट पे ना कम से कम मैं कोशिश करूँ कि 17 से 18 मिनट के अंदर अंदर क्वांट के पूरे 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ। और डुएबल होता है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि RRB क्लर्क का पेपर आसान होता है और इसी रीजन की वजह से जो कट ऑफ जाते हैं वो मोस्टली स्टेट में 72-75 प्लस ही जाते हैं, आपके कट ऑफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सेशन को। अगर वीडियो पसंद आए तो पक्का एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें शायद से मेरा अप्रोच ज़्यादा लेंदी हो जाए आपके अप्रोच से, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि सर इस भैया इस वीडियो में इस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट, यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा है 8 अगस्त 2021 का शिफ्ट का पेपर है, मेरे को इंग्लिश हिंदी चाहिए। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा। अब मैं पहले तो बनाऊँगा नहीं, मैं इधर ही आ जाऊँगा। ठीक है, देखो मैं जितनी पार्ट होगा क्वेश्चन 55 को 45 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2550 का स्क्वायर माइनस 25 मतलब 2475 में 205 ऐड के 2680 15 12 180 180 माइनस के 2500 किसका स्क्वायर है 50 का। क्या देखो कैलकुलेशन पूरी माइंड में करनी है, 40% मतलब 2/5, 50% मतलब 1/2, इधर 3/4 है किसका 2400 का। ठीक है, ये 3 2/5 है ना, ये 5 × 2 = 10, 10 काट दो, 4 × 6 = 24, 3 × 18 × 2 = 36 मतलब 360 ऑप्शन नंबर ये। इसमें ना थोड़ा सा टाइम इसमें भी लग जाता है कि आपको 275 इधर करना है। ठीक है जी, और इधर है 400। ओके, एक काम कर लेते ना, 272 को इधर लेके आ जाओ, मतलब मल्टीप्लाई करके यही है ना 425x², और इधर कितना है 400 और 272, 25 का 16 गुना 25 का 17 गुना 16 एकम 16 112 मतलब 17 × 17 x² के बराबर 17 का स्क्वायर है तो x के बराबर 17। नेक्स्ट 56 को 4 से मतलब 14 का 4 × 4 = 16, 316 में से 16 माइनस के मतलब माइनस का 300, इधर कितना 100 चाहिए तो मतलब 400 चाहिए तो 20 का स्क्वायर, 727 का स्क्वायर 23×5 = 115 प्लस 27 142, 36 × 72 72 में से कितना माइनस करोगे 70, नहीं करना है सर सीधा सीधा इधर जो 11 से 12 16 नहीं करने, 11 12 13 14 15 16 कहीं पर और मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है ये करूँगा पहले। देखो 9 × 1 = 10, 10 9 + 1 = 10, 10 − 4 = 6, 6 + 9 = 15 तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 16 कर दो, 15 में से माइनस 16 करोगे तो माइनस का 1। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी कैलकुलेशन सर, आधा 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 + 8 = 64, 8 × 2 = 16 = 22 मतलब 224, इधर कितने सर 3 × 14 ऐड के 27 × 14 = 27 17 × 8 = 25 और 28 45 90 माइनस 3 कर दो 42, 14 × 2 = 14 42 14 × 4 = 56 87 में 56 ऐड करोगे तो 93 प्लस का 41 43। अरे अरे छूट गया क्या क्वेश्चन, 6 × 4 = 10
10 5 15 15 7 22 22 10 32 4 1 5 2 7 3 10 4 14 32 46 कितने 6 1 6 -1 5 5 2 10 -1 9 9 3 27 अच्छा 26 का 4 गुना 104 104 में से 1 माइनस किया 103 क्या बोल रहा है। ए ट्रेन मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन इन 10 सेकंड। अच्छा जी 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 बाय 18 18 दूनी 36 10 मतलब 100 मीटर का ट्रेन है 60 मीटर के प्लेटफॉर्म को 160 बाय 10 मतलब 16 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। टू इक्वल सम्स वर बोरोड एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स मतलब 8 दूनी 16 8 8 24 16 8 24 8 का डिफरेंस कितने का 12 8 के बराबर 12 मतलब 1200 का प्रिंसिपल होगा। 2% ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज एंड 40 डेज ठीक है। यहाँ पे 60 और 40 में कर रहा है मतलब 60 और 40 कल से मैं 120 ले लेता हूँ 60 का 3 40 का 60 का 2 और 40 का 3। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम्स ए छोड़ दिया ठीक है एंड बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 दिन 10 दिन मतलब 30 काम करेगा तो 90 यूनिट काम दोनों ने मिलकर किया होगा तो 3 2 5 मतलब 18 दिन ए ने 18 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ इन एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट 15% ऑन ट्रैवलिंग 45% ऑन मिसलेनियस एंड सेव्स इतना। अच्छा रिमेनिंग वाला नहीं ना 25 15 40 और 45 15% मतलब 15% के बराबर इतना है तो 1% के बराबर 9 मतलब 90,000 का है ठीक है। किस पे पूछ रहे हैं देन पर्सनल स्पेंडिंग ऑन मिसलेनियस मिसलेनियस पे 9 5 45 9 6 36 4 40 मतलब 40,500 एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन 4:5:7 ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव बाई ए एंड बी इज 1000 मोर देन अमाउंट रिसीव बाई सी। अच्छा 4 5 9 है 9 में 7 के 2 2 के बराबर 1000 1 के बराबर 50 तो टोटल अमाउंट रिसीव बाई ए एंड बी ए एंड बी ने मतलब 5 4 9 को पर 4500। आर आर बी क्लर्क में मोस्टली पेपर आप मोस्टली आप बना सकते हो ओरली ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस। अच्छा मतलब मार्क प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 70 होगा। द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 9% मतलब इस पर 9% का डिस्काउंट दूंगा तो 91 बिकेगा 70 से 21 ज्यादा मतलब 30% का प्रॉफिट है। इधर देख लो 55 200 200 को 4 से किया 50 50 का 15 गुना 750 750 और इधर कितना है 504 को 3 16 43 और 168 50 में से 50 मतलब सीधा सीधा 600 और फिर 18 मतलब 582 20% ऑफ 36 मतलब 7.2 40% ऑफ 24 मतलब 24.7 मतलब 24 और 7.2 31.2 एक सेकंड रुक जो कुछ एक सेकंड 7.2 ठीक है। ये 56 25 मतलब 75 75 का 15 5 21 पंचे 105 105 सॉरी एक मिनट 75 5 इधर है और 3 7 21 7 5 35 5 40 बोर्ड मास ध्यान रखना जब भी कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो ठीक है। इधर क्या है 5 1 5 1 7 5 इधर है मल्टीप्लाई करूंगा 16 1 16 5 21 16 होना चाहिए लेकिन 16 21 करना पड़ेगा कितना जी 7 1 7 3 21 इंटू एक्स है और इधर 4 है यही तो है 4 1 4 4 4 16 तो 5 3 15 4 4 3 12 3 3 3 3 4 मिल जाएगा ये 18 3 6 18 और 19 6 114 114 87 17 87 13 और 14 27 इधर देख लो क्या 3 3 9 3 27 मतलब 27 सॉरी 3 3 9 3 27 4 4 16 64 गुने 2 का पावर 64 होता है 16 3 3 9 3 27 81 देखो 16 का 4 गुना 27 का 3 गुना ठीक है। और इधर कितने 16 27 का 3 गुना 12 इधर 1/6 से 24 है 4 3 12 12 5 60 और 2 2 24 मतलब 52 इधर देख लो 2 1 2 1 2 5 10 1560 है 1560 और 3685 ऐड कर दो 5 8 6 14 5 8 6 14 15 1 16 16 और 36 36 6 42 52 52 45 में से 2218 कम करना 28 17 45 चाहिए होगा 27 और 42 मतलब 1017 देख लो 4 का 5 गुना 4 5 20 56 56 और 192 192 में 56 ऐड कर दो 8 48 248 एक काम करता हूँ इसको क्या बोल रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 जूस ए बी सी डी इन ई ठीक है। कितना है 250 मतलब लिख लेता हूँ 275 ये कितना है 350 ये कितना है 200 जो लिखा हुआ है वो तो सही है 250 200
ये 225 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 325। नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए में 275, सी मतलब 200 का कितना 75 ज़्यादा है, मतलब 75, 200 का 3/8, 25 दिया 75 और 25 37.5%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एनिमल्स इन ऑल द जू टुगेदर, ऑल द जू टुगेदर मतलब ये 200 है ना सीधा सीधा अपने पास, देख लो 5, 5, 10, 5, 15 आता है, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 5 से कर दो, 5, 2, 9, 10, 3 बचे 5, 7, 35, 5, 25, 275, 275। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए एंड बी, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन एनिमल्स इन ए एंड बी टुगेदर एंड सी एंड डी टुगेदर, ए और बी देखो तो 5, 1 कम 250, 300, 625 और इधर कितना जाएगा 625 इधर है, और सी और डी में मिला के देख लो 200, 300, 500, 650, एक सेकेंड, 550, तो 525, 625, 17, 16, 25, 17, अरे यार ये रब क्यों कर दिया, पाँच सात सही है। इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स इन बी इज डिक्रीज बाई 40%, अच्छा बी को 40% कम कर दो, मतलब 35 का 40%, 140 कम होगा, 210 बच गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एनिमल्स इन बी एंड सी, बी और सी में 200 और 10, एक सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एनिमल्स इन बी एंड सी, अच्छा 40% बढ़ाना है तो 35 मतलब 490 और 200, तो 290 का डिफरेंस हो जाएगा, कम नहीं करना था बढ़ाना था। फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन सी एंड ई टुगेदर, सी और ई टुगेदर मतलब 525 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए एंड डी टुगेदर, ए और डी तो 3, ए और डी मतलब 200, 200, 400, 500, 525% ज्यादा मतलब 5% ज्यादा, यस रीजनिंग पे नहीं जाना, रीजनिंग पे नहीं जाना, मेरे को जाओ इधर आ जाओ, इसमें क्या क्या छूट रहा था, ये छूट रहा था, इधर देख लो, नंबर ऑफ बुक कलेक्टेड बाई सी इन नवंबर इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ बुक कलेक्टेड इन बी इन जुलाई, सी इन नवंबर और बी इन जुलाई, बी इन जुलाई कितना है भैया 86 है, 86 मतलब 9, 95, 19 नहीं है कहीं पे भी, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बुक कलेक्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन अगस्त, ए और सी टुगेदर मतलब 140 अगस्त एंड बी एंड सी टुगेदर इन जुलाई, बी और सी 86 सॉरी 100 और 130 मतलब 14:13 सीधा सीधा, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं मुझे दिख रही। विच मंथ्स हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स देखो भैया सबसे पहले कट करते चलो, ये तो बनेगा नहीं कभी, 90, 60, 150, 50, 200 है ठीक है, 180 + 300, 210 इसको काट दो ठीक है, 60, 70, 130, 180 मतलब इसको काट दो मिनिमम ये है, 40, 30, 70, 70, 170 मतलब इसको काट दो नवंबर में। विच वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक कलेक्टेड बाई बी इन नवंबर, बी इन नवंबर, बी इन नवंबर टू बुक कलेक्टेड बाई ए इन जुलाई एंड अगस्त, ए इन जुलाई एंड अगस्त तो भैया ए इन जुलाई अगस्त तक 50, 90, 50, 140 क्योंकि 86 में से 36 ही माइनस कर दी सीधा सीधा। वॉट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई ए इन ऑल द गिवन मंथ एक्सेप्ट सेप्टेम्बर और नवंबर, मतलब इन दोनों को काट दो, सेप्टेम्बर और नवंबर को काट दो, 6, 6, 12, 2, 1 बच गया, 6, 6, 12, 2, 1 बच गया, 6, 6, 12, 1 बच गया, 6, 1, 7, 9, 16, 24 3 से 3, 8, 24 एक बच गया, 84 कहीं पे भी नहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, नन ऑफ दिस टिक करूंगा, देख लो क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ठीक है, इसको इसको स्किप कर दो, 25 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेंस एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:4 मतलब 5 और 20 में, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन द परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स करने, मतलब वाटर मिक्स करने तो 25 और 5, 30, 5 तो पूछ रहे मिक्सर में एल्कोहल, 5/30 मतलब 1/6, 1/6 मतलब 16 और 2/3% 16.66%। ए स्टूडेंट गोज टू कॉलेज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ठीक है एंड रीचेस 12 मिनट लेट, 5 मिनट पहले गया, स्पीड इसकी रही 5 से गया, जब 8 से गया वो तो 15 मिनट पहुँचे, स्पीड का रेशियो है तो टाइम क्या हो जाएगा 8:5 में चला जाएगा क्या, है ना, पहले 12 मिनट लेट पहुँच रहा था अब 15 मिनट पर अर्ली पहुँच रहा है, मतलब पहले 12 मिनट लेट पहुँच रहा था या 15 मिनट अर्ली पहुँच रहा है, मतलब 12 मिनट लेट से 15 मिनट 27 मिनट, 3 के बराबर 27 क्योंकि 3 का डिफरेंस है 8, 5 में, 1 के बराबर 9 मतलब 9, 8, 72 72 मिनट गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 घंटे में तो पहुँच जाएगा, फिर 1/2 मतलब 1/5 कर रहा तो इसका 1/5 मतलब 1/6
द रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट सात, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड है 7x, करंट की स्पीड कितनी है x, तो मैं बोल सकता हूँ कि बोट की स्पीड कितनी होगी 8x। इफ द बोट कैन कवर 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 14, मतलब 14 किलोमीटर, 7 के बराबर 14, मतलब 1 के बराबर 2, ये भाई सब हो जाएंगे 16। देन फाइंड द डिस्टेंस इट कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 घंटे, 16 2 18, 18 का 5 गुना 90, 90 किलोमीटर आंसर राइट। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन एंड फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 96। ओके जी, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट इवन नंबर एंड लोवेस्ट ओल्ड नंबर टुगेदर एमंग द इफ स्मॉलेस्ट इवन इज 5। अच्छा एक चीज बताओ, अगर स्मॉलेस्ट इवन 5 है तो 4 6 8 10 12, यही 5 नंबर, 12 10 22 38 36 4 40, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर सम कितना है 56। 56 है तो एक्स, यही तो होता है ना, एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6, तो 6 4 10 2 12, मतलब 44 कम कर दूंगा, 4x के बराबर 44, एक्स के बराबर 11, तो 11 वो है। और हाईएस्ट इवन नंबर कितना 12, 11 और 12 का डिफरेंस कितना 1 का। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 36, मतलब फादर और मदर 36 के, मतलब 33 मतलब 66 के। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड सन इज 25, मतलब 75 का। व्हाट इज द एज ऑफ सन, मतलब 9 का डिफरेंस है तो 9 का सन ही होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब दोनों का एरिया सेम है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर लेस देन एनी ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर का ये एक्स कर लूँ तो ब्रेथ कितना बनेगा एक्स प्लस 8, और इधर कितना बनेगा एक्स माइनस का 6 1, और दोनों का अगर मेरे को स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये एरिया, इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 6x प्लस 8x माइनस 48, और ये इधर है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा 8x, मतलब इधर 2x के बराबर 48, एक्स के बराबर 24, तो अगर एक्स 24 है तो 24 प्लस का 8 32 लेंथ हो जाएगा, 24 में से 6 गया 18, तो पेरीमीटर निकाला दोनों का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 18 50 2 100, तो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर, अभी आप देख रहे हो 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सॉल्व हो गया। और अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग में ये काम करोगे, 15 मिनट कंप्लीट कर लोगे, आपके पास जो आपका थोड़ा सा वीक टॉपिक है उसमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। अब आ जाते हैं देखो इसमें, ठीक है जी, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, दोनों लेफ्ट है मतलब माइनस करना है 12, 15 में 3 के 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एट द रेट हाउ मेनी सच वोवल्स आर देर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवेंट नंबर। अच्छा वोवल है और वोवल के बाद इवेंट नंबर होना चाहिए एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ सिंबल, ये होना चाहिए, यही बोल रहे ना, सच वोवल देर आर एवं ईच इमीडिएटली फॉलोड बाई एन इवेंट नंबर। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट नंबर ढूंढ रहा हूँ, इवेंट नंबर से पहले वोवल नहीं है, इवेंट नंबर से पहले वोवल है, इवेंट नंबर से पहले वोवल है, सिंबल भी है, एक ये है, ठीक है, इवेंट नंबर से पहले वोवल नंबर है, इवन नंबर से पहले नहीं है, तो मतलब एक ही हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1। फोर ऑफ देम आर लाइक अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन अबव अरेंजमेंट, ठीक है, ए के बाद नेक्स्ट 4 और फिर 2 छोड़ के एक पीछे में छोड़ के स्टार, ठीक है, टी के बाद अच्छा एक छोड़ के वाई बी और अगला वाई, मतलब इसमें ठीक उल्टा है उसका अरेंजमेंट है। वी के बाद देख लो वी 1 2 पीछे, मतलब ठीक है ये दोनों सेम है तो मतलब पहला वाला डिफरेंट ही होगा। How many such symbol numbers are there in above arrangement, each of which is immediately followed by vowel? मतलब number के बाद vowel होना चाहिए और preceded by a consonant. तो मतलब number vowel ढूंढो, number vowel नहीं है, number के बाद vowel है और पीछे consonant भी है, तो मतलब एक ही है। If all the symbols of the above arrangements are dropped, then which of the following will be the 15th from left hand? मतलब 15वां चाहिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें क्या करते हैं बहुत बच्चे इसको ड्रॉप करके लिखने लगते हैं, लिखना मत उसी में, काउंट ही मत करो उसको, ठीक है, पजल तो बनाऊंगा नहीं भी, मैं पजल या सेटिंग नहीं बनाऊंगा, अरे ये क्या हो रहा है, बना लूँ क्या, नंबर क्या बोला 361, क्या बोला कितने पेयर है, 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9, मतलब 7 और 9 का 2 पेयर तो दिख ही गए इधर ही, ठीक है, 6 के बाद 7 8 9 नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा, 4 के बाद 5 6 7 नहीं बन रहा, 7 के बाद 8 9 बन रहा, यहीं से
ठीक है, 9 का 2, 3, 4 बन रहा है, 5, 6 बन रहा है, तो फिर 4 के बाद भी 6 बनेगा, मतलब मोर देन 5 अगर हमारे पास है तो मोर देन 5 हम क्यों आगे टिक कोशिश करें बनाने की। इधर देख लो क्या चाहिए, पी से यू चाहिए, पी से यू नहीं बन सकता, क्यू से टी चाहिए, क्यू से टी जा सकता है जो इसमें बता रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करेगा। क्या चाहिए, डब्ल्यू से बी जाना है, डब्ल्यू से बी जा सकते हैं, ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी नहीं जा सकते, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। एन से यू, एन से यू जा सकता हूँ जैसे बता रहा है, यू से डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू भी जा सकता हूँ, यू से डब्ल्यू भी जा सकता हूँ, मतलब बोथ फॉलोज। एच से वाई जा सकते हैं क्या, एच से वाई नहीं जा सकते, वाई से एच, वाई से एच नहीं जा सकते, बट दोनों गलत है तो इधर और लगा सकते हैं। सिलॉग्स है, क्या बोल रहे, इसको बना लेते हैं इधर 21। फ्राइड है, फ्राइड को लिखा है ये, ठीक है, प्लांट को लिखा है ये, देखो एफ से पहला अक्षर ई, आर एम क्यू आर, मतलब एफ से पहला अक्षर और आर से पहला अक्षर को क्रॉस कर दिया, क्या इधर भी है, ओ से पहला अक्षर एम एन ओ पी क्यू आर एस, एल कैसे पहले देखो के, बिल्कुल सही है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो इन दोनों को देखो, मतलब एस का उल्टा, एस से पहले एम एन ओ पी क्यू आर, तो मतलब सेकेंड नंबर आर होना चाहिए, सेकेंड डिजिट अगर मेरा आर होना चाहिए तो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट तो दोनों में सेम है, ये दोनों भी सेम है, पी पी, तो मतलब बीच वाला डिजिट देख लो ना, आई के बाद जे नेक्स्ट, ए के बाद बी नेक्स्ट, ओ के बाद एम एन, ओ के बाद पी नेक्स्ट, मतलब ये वाला होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी इधर है, पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। पॉइंट सी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी, पॉइंट सी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी, पॉइंट डी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, पॉइंट, अच्छा ये सी है, पॉइंट डी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, पॉइंट डी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, 5 मीटर वेस्ट ऑफ ई, मतलब ई कहीं पे इधर होगा, 5 होगा। पॉइंट विच इज 4 मीटर साउथ ऑफ एफ, मतलब 4 इधर हो जाएगा कहीं, एफ इधर है तो 4 इधर हो जाएगा। पॉइंट, पॉइंट एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, से एफ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ऑल टाइल्स आर फ्लोर, ऑल टाइल्स आर फ्लोर, ओनली अ फ्लोर्स आर प्लांट्स, ओनली अ फ्लोर्स आर प्लांट, मतलब ये पूरा पूरा इसमें सम टाइल्स आर प्लांट्स, सम टाइल्स आर प्लांट गलत हो जाएगा, नो टाइल्स आर प्लांट्स, नो टाइल्स, सम टाइल्स आर प्लांट्स बन सकता है तो मतलब गलत है, तो इधर और लगा दो सीधा सीधा। टाइल फ्लोर, फ्लोर, अरे एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोल रहे, सम टाइल्स आर पेंट, सम टाइल्स और पेंट, टाइल्स और पेंट दोनों तो टाइल्स और पेंट है, इधर और लगेगा। यही चीज अगर आप पेन पे करोगे बहुत इजीली बना लोगे पेन पे, सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, ओनली अ फ्यू चेयर्स आर बेड, तो इसके पूरा पूरा इसमें जा सकता है, सम चेयर्स आर बेड, सम चेयर्स आर बेड सही है, सम चेयर्स आर नॉट बेड, मतलब ये वाला पार्ट कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, मतलब दोनों फॉलोज है, बोथ फॉलोज। अरे नीचे आ जाओ, ये ओनली अ फ्यू बॉयज इज गर्ल, मतलब ओनली अ फ्यू बॉयज इज गर्ल, मतलब पूरा का पूरा गर्ल इसमें जा सकता है, सम गर्ल इज चाइल्ड, सम गर्ल इज चाइल्ड, सम बॉय इज नॉट गर्ल, सम बॉय इज नॉट गर्ल, बिल्कुल सही है, सम चाइल्ड इज बॉय, सम चाइल्ड इज बॉय गलत है, मतलब पहला फॉलो करेगा सिर्फ। ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पैंट्स, ओनली अ फ्यू शर्ट्स आर पैंट्स, मतलब पूरा का पूरा शर्ट पैंट नहीं बन सकता, पूरा पैंट शर्ट बन सकता, ऑल पैंट्स आर ट्राउजर, ऑल पैंट्स आर ट्राउजर, क्या बोल रहे, सम ट्राउजर्स आर शर्ट, सम ट्राउजर्स आर शर्ट सही है, नो शर्ट्स आर ट्राउजर, भैया शर्ट्स तो ट्राउजर है तो गलत है, मतलब पहला ही फॉलो करेगा केवल, ओनली वन फॉलोज। ओनली अ फ्यू डोर इज फैन, ओनली अ फ्यू डोर इज फैन, मतलब पूरा का पूरा फैन इसमें जाएगा, नो फैन इज अ बुक, नो फैन इज अ बुक इधर हो जाएगा, सम फैन इज नॉट बुक, सम फैन इज नॉट बुक, बिल्कुल सही है, जब बिल्कुल एक भी नहीं बन सकता, नो बुक इज डोर, सम बुक इज डोर बना, सम डोर बुक इज डोर बन सकता है, मतलब पहला फॉलो करेगा। क्या देर आर एट पीपल,
ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको बना लेते ना। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं पूरे वेरिएबल्स के साथ ही बनाता हूँ। तो क्या बोल रहा है, 8% को बिठा रहा है, मैं 8% को बिठा लेता हूँ इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं वेरिएबल के साथ ही बनाऊंगा। देर आर 8% पी क्यू एस टू फेसिंग टू नॉट 2% से बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। पी और क्यू के बीच में 2% बैठेगा, तो मैं बिठाते चलूंगा। पी इधर बैठाता हूँ, क्यू इधर बैठाता हूँ, एक बार पी इधर बैठाता हूँ और दो छोड़ के क्यू इधर बैठा देता हूँ, ठीक है। यू इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, यू इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, मतलब यू यहाँ पे, यू यहाँ पे, 2% सेटमेंट बिटवीन क्यू एंड आर। देखो क्यू और आर छोड़ के यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्यू और आर छोड़ के यहाँ पे बैठ सकता है, क्यू और आर यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो क्यू और आर यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। टी इज सिटिंग अपोजिट टू आर, टी इज सिटिंग अपोजिट टू आर बैठ सकता है, टी इज सिटिंग अपोजिट टू आर नहीं बैठ सकता। जैसे इसमें नहीं बैठेगा, मैं इसको क्या करूंगा, रब कर दूंगा, खत्म कहानी इसकी। टी सिटिंग अपोजिट टू आर, ठीक है। वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, यहाँ पे बैठेगा। एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे डब्ल्यू, फिनिश। पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी कौन बैठ रहा है, यू बैठ रहा है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन बैठ रहा है, यू बैठ रहा है। हु इज सिटिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ एस, फोर टू द लेफ्ट, 1 2 3 4, क्यू बैठ रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, तीन बैठ रहा है। और एक ये ध्यान रखना कि जब भी डायरेक्ट पूछे ना, इस इनवर्ड वाले में या आउटवर्ड वाले में एक ही हो कुछ, तो और आपको नंबर ऑफ पर्सन लगे तो तीन ही आया, चार आंसर, उसके बीच में जो वैल्यू बैठेगा वही बैठ रहा होगा अपोजिट वाला। हु इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ क्यू, थर्ड राइट ऑफ क्यू मतलब कौन बैठ रहा है, 1 2 3 आर बैठ रहा है, खत्म। इफ द लेटर्स इन द वर्ड ब्राउनी आर अरेंज इन अपियर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज द लेफ्ट टू राइट द पोजिशन ऑफ मेनी लेटर्स विल बी अनचेंज। सबसे पहले देखो बी का तो आएगा यहाँ पे, सी डी ई एफ जी एच आई आएगा, नहीं आएगा, जे के एल एम एन आएगा, नहीं आएगा, ओ यहाँ पे आएगा और नहीं आएगा, पी क्यू आर आर इधर आएगा, नहीं आएगा, डब्ल्यू इधर आएगा, मतलब एक आएगा सर, बी को छोड़कर और कोई नहीं आएगा। देर आर 8 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ एंड जी इज अ फैमिली, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ एम, कहने का मतलब सीधा सीधा कि ए ऊपर वाले जनरेशन में, ए इज ग्रैंड फादर यहाँ पे एक जनरेशन होगा और यहाँ पे एफ है, ठीक है। एंड फादर ऑफ सी मतलब फादर ऑफ सी यहाँ पे बैठ रहा है, इसका हो सकता है कि किसी और का बेटा हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी इसी का बेटा होगा। तो मैं क्या थोड़ा सा इसको नहीं लिखता हूँ अभी, इसको भी मत लिखो। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ए इज द फादर ऑफ सी, ऐसे है, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ जी, बी इज द मदर ऑफ, बी इज द मदर ऑफ जी, ये कर लिया आप। ई इज द फादर मदर ऑफ एफ, ई इज द मदर ऑफ एफ, ये तो पक्की बात है कि ई इज द मदर ऑफ एफ है। एंड वाइफ ऑफ सी मतलब सी पिताजी हो जाएंगे, यहीं पे खत्म कहानी, इसके बाद खत्म हो गया। इसकी मदर कौन है, एफ है, ई इज द मदर ऑफ एफ, ई इज द मदर ऑफ एफ, ये लेडीज हो जाएंगे। जी इज सिस्टर ऑफ सी मतलब जी, जी इसकी बहन है। डी इज द मदर ऑफ ई, इसकी मदर कौन है, डी है। एफ इज सिस्टर ऑफ एच, एफ इज सिस्टर ऑफ एच, मतलब एच का रिलेशन नहीं पता चलेगा। तो 2 3 5 2 7 8 बैठने थे यार। अच्छा बी इज द मदर ऑफ जी मतलब बी इसके साथ मैरिड है। हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी देखो जी रिलेटेड टू एच, जी रिलेटेड टू एच, जी एच कोई भी लगे, जी तो बुआ ही लगेंगी, आंटी लगेगी। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी रिलेटेड टू डी, सी सन इन लॉ है। इधर क्या बोल रहे, 7% सिटिंग, 7 पीपल एबी सिटिंग डिफरेंट फ्लोर बट नॉट एज सेम अंडर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज द बिल्डिंग इज नंबर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7, ही डज नॉट लीड नॉट, ठीक है कर लो भैया यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर मेरे को पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ी तो मैं पहले से तैयार हूँ, है ना। क्या बोल रहे हैं, ए डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर मतलब ए इधर नहीं रहेगा फिक्स्ड। तो बी लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, बी लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ मतलब सीधा सीधा ये रिलेशन लगा दो। सी लिव्स ऑन एन इवेंट नंबर फ्लोर, सी इवेंट नंबर बैठेगा मतलब सी किधर बैठ सकता है, 2 4 या 6 पे बैठ सकता है। थ्री पीपल सीट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में 1 2 3 सी 3% बैठेंगे एफ और सी के बीच में। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एफ एंड डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन एफ एंड डी, मतलब एफ और डी के बीच में जो बराबर है वो किसके, सी और डी के बीच में बराबर है, यहाँ से मैंने लिख लिया। मोर देन फोर पीपल लिव बिटवीन ई एंड जी,
ए लिव्स बी लिव्स इन डब्ल्यू सी, सी लिव्स इन डब्ल्यू द डेफिनेसी द नंबर ऑफ एन डी ठीक, मोर देन फोर पीपल लिव इन एन सी, मतलब पाँच जने तो बैठेंगे, पाँच जने बैठेंगे मतलब एक ऊपर एक सीधा नीचे नीचे बैठेगा, तभी तो सात बैठेगा, किस किस के बीच में, ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में ठीक है, मतलब बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो जी, अच्छा मतलब जी के नीचे रहेगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर जी के नीचे रहेगा तो जी को ऊपर नीचे में नहीं रख सकते, जी को ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो जी और ई के, तो एक दो तीन चार पाँच रखोगे, चार से ज़्यादा मोर देन फोर पीपल है, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ये मिल गया। उसके बाद क्या है, एफ सी को आप कहाँ कहाँ पर रख सकते हो, सी को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो एक दो तीन छोड़ के एफ बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठेगा, लेकिन एफ जिधर बिठाऊंगा तो बी इधर नहीं बैठ पाएगा। एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे सी को बिठा दूँ, एफ इधर नहीं बिठा सकता, एक सेकंड जी और ई बिठा दिया, एफ सी के बिठा दिया, ई और जी, अगर मैं यहाँ पे सी को रखूँगा तो एक दो तीन, एफ यहाँ पे आएगा तो बी नहीं आएगा, तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे बी आएगा, तो एक दो तीन छोड़ के मेरे को सी यहाँ पे रखना पड़ेगा, एफ छोड़ के सी रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा, फिर देखिए एफ और डी के बीच, मतलब डी को यहीं पर रखना पड़ेगा ना, तभी एफ और इसके बीच में सेम पर्सन जाएंगे, और इधर का कौन बच गया, ए बच गया, कुछ मिस हो रहा है मेरे को लग रहा है, एफ के ठीक नीचे में बी बैठ गया, इसको मैं पेन पर बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको इधर बैठा दूँ, नाइन एक्स प्लस सॉरी क्या है, एफ और डी के बीच में चार परसेंट बैठेंगे, तो एफ और डी के बीच में चार परसेंट बिठा दिया, एफ और डी बिठा दिया, तो सही है, क्या मिस हो रहा है, एक तो कुछ छूट रहा है ना, एक कौन छूट रहा है, ए ए इधर बिठा देते हैं फिलहाल के लिए, बन तो गया, सॉरी मैं क्या इधर फिर बना देता, देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सिक्स्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर पर देखो कौन रह रहा है, सिक्स्थ फ्लोर पर एफ रह रहा है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन जी एंड बी, एक एक लोग रह रहे हैं जी और बी के बीच में, एक, फोर ऑफ द फॉलोइंग लिव ऑप्शन आर लाइक सर्टेन वे, मतलब बी और ए देखो, बी एक छोड़ के, ए और जी देखो, सी और ई, नहीं यार कुछ गलत बन रहा है, कुछ तो गलत बन रहा है, क्योंकि जी और बी फिर किधर है, अच्छा जी को छोड़ के एक छोड़ के बी, बी को एक छोड़ के ए ठीक है, ए को एक छोड़ के जी कहाँ है फिर, सी को, सी का एक छोड़ के ई नहीं है, इसको ना इस इधर से बनाओ, देखो एक बात, तो सी को इधर ही रख सकते हैं, अगर मैं सी को यहाँ पर रखूँगा तो एक दो तीन छोड़ के एफ तभी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि सी को हमें सिर्फ इवन पर रखना है, दो पे यहाँ पे बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर नहीं होगा, या तो मैं सी को यहाँ पर रखूँ और एफ को यहाँ पर रखूँ, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो ये दो पे होगा या चार पे होगा, एफ इधर है और क्या बोल रहे हैं कि एफ के ठीक नीचे में कौन है, बी है, एफ के ठीक नीचे में बी हो जाएगा, एफ के ठीक नीचे में बी हो जाएगा, तो अगर F के ठीक नीचे, अभी इधर देखो, अगर F के ठीक नीचे भी हो जाएगा तो E और G की जगह नहीं बन पाएगी, तो E और G तो ऑल्ट वैसे ही नहीं बन पाएगा, तो भैया E और G के लिए प्लेस यही बचता है, F और D के बीच A does not live on open, A lives immediately below F, sorry B lives immediately below F ठीक है, C lives on even number, बिठा दिया थ्री पीपल से, बिठा F and C बिठा दिया, तीन पर्सन बिठा दिया, द नंबर पीपल F and D, अच्छा देखो अब अगर C इधर है तो D इधर रखना पड़ेगा, मैं इस तरीके से डी यहाँ पे रखेंगे ठीक है, मोर देन फोर पीपल बिटवीन ई एंड जी, तो ई और जी, ई और जी के बीच में रखना है चार पर्सन, इसमें एक कौन नहीं बैठा फिर, चार पर्सन, बी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो जी, बी जी के नीचे रहता है, मतलब जी इधर बैठेगा, ई इधर बैठेगा और ए इधर बैठेगा, यही सीक्वेंस हमने बनाया था ना, जी एफ बी डी, फिर इसमें क्यों फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स वन वे बी ए, देखो बी, एक सेकंड रुको इसका कलर चेंज करो, बी और ए मतलब दोनों ऑड नंबर पे हैं, ए और जी, ए और जी दोनों ऑड नंबर पे, सी और ई, सी और इवन ऑड में, मतलब यही हो जाएगा, यही डिफरेंस है फिर,
सही बनाया था हमने उस टाइम पे भी। हु ऑफ द फॉलोइंग लिव्स टू फ्लोर बिलो ए, ए से दो नीचे कौन रहता है, ई रहता है। ज़्यादा टाइम ले लिया यार इसमें हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन बिलो, अभी क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। चलो मेरे पास यहाँ पे साइड में, तो मैं तो ये देख लूंगा इधर से। थ्री पीपल लिव्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और ई के बीच में तीन लोग रहते हैं, एक दो तीन गलत है, नहीं सर चार रहते हैं। जी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बिल्कुल सही है। डी लिव्स इमीडिएटली अबव बी, डी लिव्स इमीडिएटली अबव बी, गलत, यही सही है। ये वाला देख लो क्या बोल रहा है, एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट। अच्छा क्यू सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब क्यू को यहाँ बिठा देते हैं। सिट एस इज सिटिंग सेवन टू द राइट ऑफ एम, एम के छः बाद एस बैठेगा, ये ऐसा बैठे, एम के छः बाद एस सिटिंग लेफ्ट ऑफ एल, इज सिटिंग एक्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, मतलब क्यू के बाद एल और इन दोनों के बीच में सेम पर्सन बैठे हुए, ठीक है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये इधर बैठा हुआ है। तो क्यू एंड एम इधर तो बैठेगा नहीं, एक दो छोड़ के एम इधर बैठा देते हैं, एम इधर बैठाएंगे तो छः एक दो तीन चार पाँच छः छोड़ के एस इधर बैठा देते हैं, एस इधर बैठ गया तो देखो क्यू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एक दो तीन चार पाँच, मतलब एल इधर बैठेगा, दो दो चार, दो दो चार, सही है, ये दोनों बैठ गए, ठीक है। ओनली वन पर्सन बिटवीन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में एक ही जन बैठ सकते हैं, अगर ओ यहाँ बैठा हुआ तो आर नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आर बैठ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी खत्म। P sitting exactly immediately to the left of N. N के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, P. N के लेफ्ट में P. Who is sitting? मतलब N कितना थर्ड राइट ऑफ R, मतलब एक दो तीन यहाँ पे N और यहाँ पे P, खत्म। पहला क्या पूछ रहा है, Who is sitting at the extreme right end of the row? Extreme right end of the row पे कौन बैठ रहा है, N बैठ रहा है। How many persons sitting in the row? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस लोग बैठ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू पी, पी सीट सेकंड राइट ऑफ एन, सेकंड राइट ऑफ एन, पी सीट सेकंड राइट ऑफ एन, गलत है। पी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, पी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, गलत है। पी सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम, ये वाला सही है। एक सेकंड, इसमें क्या था पिछला वाला, क्या था कि दो ऑप्शन था क्या, पी इमीडिएट राइट ऑफ एन, लेफ्ट में, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में कितने जन बैठे, एक दो तीन चार पाँच छः। हु इज सिटिंग एक्जैक्टली बिटवीन ओ एंड पी, ओ एंड पी के बीच में एक्जैक्टली बिटवीन कौन है, आर है। चलो ये वाला भी बन गया। सेवन बॉक्सेस ए बी सी डी मोर देन थ्री बॉक्सेस आर कैप्ट अबव ए एंड डी, चार बैठ सकते बॉक्स जिस बिलो टू, टू बॉक्स बिलो ए जिस बिलो जी, टू बॉक्सेस आर कैप्ट बिन एफ एंड सी इज नॉट कैप्ट अबव जी, इसको साथ ही बना ले। तो इधर ए बी सी डी एफ जी बैठा है, इसको कैसे करेंगे भैया, देख लो सात छः पाँच चार तीन दो एक तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी इधर से मैं इसको पहले फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो क्या। मोर देन थ्री बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन ए एरी, ए और ई के बीच में तीन से ज़्यादा, मतलब चार रखे होंगे मिनिमम, ए तीन प्लस रखे होंगे ए और ई के बीच में। बॉक्स जी इज कैप्ट बिलो बॉक्स बी, बी के नीचे में कहीं पे जी है। टू बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन बी एंड जी, यहाँ से लिख लेते हैं बी, एक दो और जी लिख लेते हो यहाँ पे। बॉक्स ए इज कैप्ट जस्ट बिलो जी, मतलब ए के ठीक नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा। टू बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में दो जने बॉक्सेज हैं, एफ और सी के बीच में दो बॉक्सेज हैं, एफ और सी के बीच में दो बॉक्सेज हैं। बॉक्स इज नॉट कैप्ट अबव जी, मतलब जी के नीचे, मतलब एक बार यहाँ पर लेकर रखते तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः हो गया ना, सात ही है ना, और ए और सी के बीच में ई के बीच तीन से ज़्यादा है, एक दो तीन चार, मतलब ई यहाँ पर रख लो, ठीक है। एफ और सी के बीच में दो है तो एफ यहाँ पर रख लो, तो ए बी सी डी बच गया ना, तो डी यहाँ पर डाल दो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है जी। हाउ मेनी बॉक्सेज आर कैप्ट अबव बॉक्स डी, तो एक दो है ना, दो। Which among the following box is kept just above G? G के ठीक ऊपर कौन है, F. Number of box above D is same as number of box below G. Box X not true बता रहा, box F is kept below E. F E के नीचे है, सही है। Five boxes are kept between F and A. F और A के बीच में, नहीं नहीं गलत है जी, ये गलत है। Box D is not kept above box G. G से ऊपर ही है, मतलब second और third गलत है। Which of the following box is kept at the top? Top पे कौन है, E है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, देखो 80 इधर 40 इधर, अभी भी आपके पास 8 मिनट का टाइम बचा हुआ, मतलब टोटल 37 मिनट में कंप्लीट हो चुका, जबकि मैं कंप्लीटली यहाँ पे लिख रहा था सारी चीज़ों को, सॉल्व करते हुए जा रहा था, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। यही चीज़ आप अगर पेन पेपर पे करोगे तो डेफिनेटली आपका मिनिमम 4-5 मिनट और भी सेव हो रहा होता, ठीक है। आइए एक बार देख लेते इसका कितना क्या जा रहा है, सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 78.75 गया, पता नहीं कहाँ पे एक नंबर कट गया, तो वो मैं एक बार चेक कर लूँगा। एक कुछ मिस्टेक हुआ होगा बट देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हमने कितना 800 अटेम्प्ट किया था ना। ओके ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एक स्पीड के चक्कर में आपने देखा कि छोटी सी गलती की वजह से आपका एक नंबर कटा है, मतलब 1.25 कटा है, 78.75 है, बाकी एक्यूरेसी ठीक है। एक नंबर नहीं कटना चाहिए था, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो और भी नहीं करना चाहिए था, एक बार को रीजनिंग में कट जाता तो चलो ठीक है। बट आप भी अपना स्कोर बताना कितना गया आपका स्कोर, या फिर अगर आप एनालाइज कर रहे थे तो आपको क्या इंपॉर्ट, आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं सेशन, तो कमेंट में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर डाल देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, बट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।